हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं सचिन कुमार सिंह रोज की तरह आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों आज का भी मैथ का टेस्ट होने वाला है। इसमें दोस्तों हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लहजे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और इसमें आप लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं देरी किस बात की। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अब दोस्तों आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे, इसका मतलब दो ही क्वेश्चन नहीं होंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, स्पेस नहीं है, धीरे धीरे आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पहला कह रहा है यदि 5x + 1 / 3x = 4 है तो 9x square plus 1 / 25x square का मान अर्थात वैल्यू हमें पता करनी है। दोस्तों ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, क्या है का एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे लगाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मान दिया है दोस्तों, 5x plus 1 / 3x की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो दोस्तों अब हमको लाना क्या है, यहां से यहां 9x square plus 1 / 25x square लाना है। तो दोस्तों हम कुछ ऐसे गुणा करेंगे कि यहां पर क्या आ जाए, 3x आ जाए और यहां 1 बटे नीचे के कितना आ जाए, 5x आ जाए। तो कितने से गुणा करें, तो हम लोग को कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 3/5 से, किससे, 3/5 से गुणा करना पड़ेगा, है नहीं। तो जब हम 3/5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 3x प्लस भाई 3/5 से गुणा करेंगे तो ये 5 कट गया, 3 बचा, यहां पर 3x हुआ, और 1/3x की 3/5 से गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा, 1/5x बचेगा, कितना, 1/5x बराबर 4 × 12/5, कितना हुआ, 4 × 3 = 12/5। अब दोस्तों हमको यहाँ स्क्वायर पता करना है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग वर्ग कर दो, वर्ग कर करने पर दोनों तरफ, दोनों तरफ तो स्क्वायर दोस्तों कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मानिए ये a प्लस b का स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर हुआ है नहीं, तो a स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/25x स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान 3x, b का मान 1/5x, x कटा तो 3/5 आ गया है नहीं, बराबर 12/5 का स्क्वायर करेंगे तो 12/144/25। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144 -25, ये उधर जाएगा 15/5, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा है नहीं, क्योंकि इधर प्लस का है, 6/5 कितना आएगा, 6/5 है नहीं, 6/5 ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लासा कितना हुआ, 25 हुआ, कितना हुआ, 25 हुआ, तो 25 करना 25, ऊपर 144 ही रहे, माइनस 25 6 5 30 हुआ, 30 घट जाएंगे है नहीं, तो 144 से 30 गए तो कितना बचेगा, 114 है नहीं, तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 114/25, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसा लगा, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:5, 7:15 है, उनका एलसीएम 84 है, कितना है एलसीएम, लासा कितना है, 84 है, तो ए बी प्लस ए अनुपात बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं इसको भी बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों एक फार्मूला है, फार्मूला क्या एक डायरेक्ट है, कैसे कि एलसीएम जब सवाल में दिया हो आपसे कहे दो संख्याएं हैं, एलसीएम बराबर क्या होता है, एचसीएम इंटू ए इंटू बी, क्या होता है, एलसीएम बराबर एचसीएम इंटू ए और बी, ए बी क्या है, दो संख्याएं हैं, एलसीएम और एचसीएम उनका लासा और मासा है। ठीक है, तो एलसीएम दोस्तों कितना है, 84 है,
बराबर H HCM अर्थात H लिख लिया इसको शॉर्टकट। A और B का मान कितना है 15 × 7 = 105, कितना है 105। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, H की वैल्यू आ जाएगी 84/105 हो जाएगा, और 21 × 84 = 105। H की वैल्यू कितनी निकली 4/5, कितनी निकली दोस्तों 4/5। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्या निकालना है, B प्लस A रेशियो B माइनस A। और दोस्तों इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, डायरेक्ट ये भी करने की जरूरत, डायरेक्ट कैसे लगा सकते थे, और अगर जो आपसे क्या पूछे मासा पूछे है नहीं HCM, तो 4/5 है नहीं, वहां से ये मासा निकल आएगा। अब दोस्तों डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, मान लो A का मान ये 7 है, B का मान कितना है 15 है, तो यहां रख दो कितना हो जाएगा, B प्लस A है अर्थात जुड़ गए 15/7 = 21 अनुपात, कितना हो जाएगा B माइनस A अर्थात 15 से 7 गया तो 8, तो कितना आ गया, सॉरी A प्लस B है तो 17 × 5 = 15 = 22। अब इसको काट देते हो, दो से काटा 11, दो से काटा 4, तो कितना है 11/4, ये डायरेक्ट ही लग गया। ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही लग जाते हैं, लेकिन अगर जो ये चीज क्यों बताई मैंने, ये इसलिए बताई आपको, अगर तो HCM निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11/4। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, आमों को 1000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा जाता है, आमों को 1000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा जाता है, यदि कुल आमों का 1/3 भाग 1/3 भाग 4% की हानि पर बेचा जाता है, मतलब कुल आमों का 1/3 भाग जो है 4% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में 20% लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, मतलब पूरे लेन देन में जो है आमों को 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस कितने दामों में बेचा जाना चाहिए, ठीक है, कितने किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो ये मेरा दोस्तों क्वेश्चन है, तो दोस्तों कह रहा है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, हमेशा याद रखो, अब क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है, यदि कुल लेन देन का आमों का 1/3 भाग, कुल आमों का 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग, तो दोस्तों 1/3 भाग उसमें 4% की हानि पर बेचा जाता है, 1/3 की बात करें तो 1 भाग जो है वो हानि पर कितने 1+2 बराबर कितना हो जाएगा 3, कैसे हुआ दोस्तों याद रखो 1/3 कह रहा है ना, तो 3 पहले पूरा भाग था, उसमें 1 भाग जो है 4% हानि पर है, 1 भाग जो है 4% हानि पर, शेष ये तो बताया नहीं शेष को कितने लाभ या हानि पर बेचा जाए, फिर कह रहा पूरे लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, पूरे लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, पूरा लेन देन मतलब 1+2 की वैल्यू कितनी है 3 है, इसका पूरे लेन देन में 20% लाभ अर्जित करना है, और पहला भाग जो है वो 4% हानि पर, तो -4% 1 की गुणा, और 2 की वैल्यू हम अगर जो क्या मान लें x मान लें, क्या मान लें x मान लें, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 के 1 से गुणा तो -4x 4% प्लस 2 की x से तो 2x बराबर 20 × 60%, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेंगे 2x बराबर 60 और 4 = 64 हो जाएगी, उधर जाएंगे 4 जुड़ जाएगा 64%, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32, कितनी आ गई 32 आ गई। तो दोस्तों अब कह रहा है किस मूल्य पर बेचा जाए, पहले 100% पर बेचा जाता था तो 4% की हानि होती थी, उसमें 1/3 भाग जब बेचते थे, ठीक है, अब कुल को कितने परसेंट लाभ 20% लाभ करने के, यहां से x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 32 कितनी आई 32%। अब प्रॉफिट पाना है ना, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, कितने टन कितने रुपए हैं 1000 रुपए, कितने 1000 गुणे x की वैल्यू कितनी निकली 32, 100 में 32 जोड़ देंगे, क्योंकि पूरा 100% 100 होता है ना, पूरा कुल कितने हम 100% हो गए ना, उसमें
32 जोड़ देंगे तो 132 हुआ, बटे 100 कर देंगे, परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज का निशान हटेगा तो ये क्या आएगा, बटे में 100 आ जाएगा। ये दो जीरो कट गए तो कितना आ गया 1320 रुपए। कितना आ गया 1320 रुपए। किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए 1320 रुपए। ये आपका राइट आंसर होगा, है नहीं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या के 65% को उस संख्या से घटाया जाता है, उस संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम वर्गमूल 784 का वर्गमूल होता है। किसका मतलब जो परिणाम प्राप्त होता है वो 784 का वर्गमूल होता है। संख्या क्या है, क्या कह रहा है, संख्या क्या है। तो दोस्तों मान लो संख्या 100 है, कितनी 100 से कितना घटाया जाता है 65, तो कितना बचेगा 35%। कितना बचेगा 35% की वैल्यू कितनी है 784। 784 वो भी क्या है वर्गमूल है, तो क्या लगा देंगे हम रूट लगा देंगे, है नहीं। अब 784 दोस्तों वर्गमूल किसका होता है बताओ, किसका होता है, तो कहोगे 28 का। कितना होता है 28 का। ये 35% की वैल्यू कितनी है 28 के, तो 7 से काटो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 28। 5% की वैल्यू कितनी 4, है नहीं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों बताओ, 100% की कितनी हो जाएगी बताओ, 5% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 रुपए। कितनी सॉरी 80 रुपए। कितनी 80, है नहीं, कितनी हो जाएगी 80 रुपए, 80 मान हो जाएगा। तो संख्या क्या है दोस्तों 80 है। कितनी है 80। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक नदी 6 किलोमीटर की चाल से बहती है। एक नदी जो है वो 6 किलोमीटर चाल की चाल से बहती है, अर्थात 6 किलोमीटर चाल की बात कहें तो किसका मान है u का मान दिया है। किसका मान दिया है u का मान 6 किलोमीटर प्रति हावर पर घंटा, है नहीं। नाव की धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा की तुलना में 3 गुना तेज है। क्या कह रहा है नाव की धारा की दिशा, नाव की धारा की दिशा की बात करें तो v+u, क्या v+u में नाव की धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा की बात करें तो v-u, क्या होता है v-u बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना है, 3 गुना तेज है मतलब 3/1। 3 गुना तेज का मतलब क्या है 3/1 लिख सकते इसको, है नहीं, आराम से। अब दोस्तों यहां पर v और u की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या करें अब यहां कंपोनेंट क्या लगाएंगे, कंपोनेंट डिवीजन से। कंपोनेंट डिवीजन दोस्तों ये होता है जैसे कि कंपोनेंट मतलब कंपेयर करते हैं, क्या लगाएंगे कंपोनेंट डिवीजन, कंपोनेंट डिवीजन, ठीक है। कैसे होता है दोस्तों कंपेयर किया जाता है, क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है। कैसे करेंगे कंपेयर, देखो जो ऊपर की वैल्यू होती है नीचे की वैल्यू जोड़ लेते हैं तो 3 और 1 कितना हुआ ऊपर 4, बटे में क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं आपस में, तो 3 से 1 गया तो 2, क्या आया 2। तो v+u बटे v-u बराबर कितना 4/2, 2 से काटा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना गया 2/1, कितना आया मान 2/1, अर्थात 2 इसकी वैल्यू क्या आई दोस्तों 2/1, है नहीं। तो v और u की वैल्यू क्या आई v/u। अब इसको क्या लिखेंगे भाई v/u डायरेक्ट निकालना ना, कंपोनेंट डिवीजन लगाया, ठीक है। इधर 3 में 1 जुड़ा 4 हुआ, बटे माइनस कर लेते हैं कंपोनेंट डिवीजन में, ठीक है। तो 4/2 हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2/1 होगा v/u। v क्या है नाव की चाल, u क्या है धारा की चाल, नदी की धारा की चाल, है नहीं। अब दोस्तों v u की वैल्यू कितनी दी है 6, यहां पर u की वैल्यू कितनी है 1, u का मान कितना है 1 है, 1 का मान मतलब 6 है, 1 का मान कितना है 6 है, 6 किलोमीटर पर हावर, बात समझो
यू की वैल्यू कितनी है, एक है, एक की वैल्यू कितने के बराबर, 6 किलोमीटर के हवर के बराबर। तो किसकी क्या करनी, स्थिर पानी में नाव की चाल, नाव की चाल की बात करें तो वी की वैल्यू क्या करनी, किसकी, वी की। अब वी का मान कितना है दोस्तों, 2। जब एक का मान 6 तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 6 किलोमीटर पर हावर, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 है, वी की वैल्यू तो 2 है, तो 2 की वैल्यू 6 × 2 = 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है नहीं, ये आपका राइट आंसर। तो ये वी की वैल्यू हो जाएगी। यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर जो सवाल में दी हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में नाव की चाल, है नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में बताइए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का समद्विभाजक है, बीसी को डी पर मिलाता है, मिलता है, यदि एसी बराबर 21, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर और बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। बीडी की लंबाई डीसी से कितने सेंटीमीटर कम है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर कम है नहीं। तो एबी की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज दोस्तों है ए बी सी, कह रहा है बी ए सी का समद्विभाजक बी सी को डी पर मिलाता है, बी सी को डी पर, यहां पर बिंदु है डी, ए से डी पर ये समद्विभाजक है नहीं, आधा आधा मिलाता है, ठीक है, आधा आधा नहीं मतलब बी सी को डी पर मिलाता है नहीं। अब क्या कह रहा है, ए सी बराबर 21 सेंटीमीटर, ए सी कहां है, ये 21 सेंटीमीटर हो गया है नहीं, बीसी बराबर 12 सेंटीमीटर, बीसी मतलब ये पूरी भुजा की बात करें तो ये क्या है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर है नहीं। अब कह रहा है और बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, अर्थात बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। तो दोस्तों बीडी की लंबाई पूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है बीसी, तो बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, तो बीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर कम है, तो मान लो तो ये 5 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, भाई बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, तो डीसी से 7 हुआ, अब बीडी कितनी हो जाएगी, 5, टोटल कितनी है, 12 सामने लिखी है नहीं। अब दोस्तों कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, दोस्तों हमेशा याद रखो जो एडी होता है समद्विभाजक जो होता है, ये जो लंब डाला जाता है, इसके सामने की भुजा जितने गुना होती है उतने ही गुना BD के सामने वाली भुजा होगी ऐसे। तो 7 की वैल्यू कितनी है दोस्तों दी हुई, भाई ये DC कितना है, DC 7 है नहीं, AC बराबर कितना है 21 है, तो 7 की वैल्यू कितनी 21 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। अब यहां BD की कितनी है 5, जब 1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, समझो लैंग्वेज को समझो दोस्तों, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, भाई 1 का मान 3 सेंटीमीटर तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 × 15, 5 की वैल्यू 5 × 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा है नहीं, कितनी 15 सेंटीमीटर, AB बराबर 15 सेंटीमीटर है नहीं, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसा लग रहा कमेंट में बताइए। तो चलिए हम लोग अपने बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 108 डिग्री है, तो बहुभुज के शीर्ष की संख्या, तो बहुभुज के शीर्ष की संख्या कितनी है दोस्तों, है नहीं, ये हमको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो देख करके ही पता आंसर बता देने चाहिए कैसे, बट हमें करने का तरीका पता होना चाहिए कि कैसे किया जाएगा। तो चलिए हम सिखाते हैं आपको कैसे करोगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखो जब बहुभुज दिया हो, क्या दिया हो क्वेश्चन में, बहुभुज, तो याद रखो बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का दोनों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो दोस्तों आंतरिक कोण का मान कितना है 108 डिग्री है नहीं, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, बाह्य कोण,
y कोण कितना हो जाएगा, 180 से 108 घटा देंगे, कितना आ गया 72 डिग्री, कितना आ गया 72 डिग्री। अब दोस्तों बहुभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। तो n की वैल्यू निकालना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे बाह्य कोण 72, कितनी बार जाएगा काट दो, 72 एकम 72, 72 पंचे है नहीं 5 बार है नहीं, कितना 5 आ गया, कितना आ गया बहुभुज के शेषों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, यही आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा, ये समझ में आ रहा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है और आगे यही जारी रहता है, और आगे यही जारी रहता है। यदि 5 बजे घंटी 8 सेकंड तक बजती है, 5 बजे घंटी कितने सेकंड तक बजती है, 8 सेकंड तक बजती है, तो 11 बजे कितनी देर बजेगी, 11 बजे कितनी देर बजेगी। दोस्तों 5 o'clock 5 बजे घंटी कितने सेकंड तक बजती है, 8 सेकंड, कितने सेकंड तक, 8 सेकंड। अब दोस्तों एक चीज बताइए, जब 5 बजे घंटी, जब 5 बजे 5 बार घंटी जो 5 बजे बजेगी तो कितनी गैप लेगी बताओ, पांच बजे 5 बार बजेगी भाई, जैसे ऐसे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, ऐसे तो 5 बजे 5 बार बजेगी, नहीं 5 बार बजेगी तो कितने गैप लेगी बताओ, 1 2 3 4, कितने गैप, 4 गैप, कितने गैप, 4 गैप, 4 गैप की वैल्यू कितनी है 8 सेकंड, कितनी 8 सेकंड। तो 1 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 कम 4, 1 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 2 सेकंड, कितने 2 सेकंड, 1 गैप की वैल्यू कितनी 2 सेकंड। इसी तरह 11 बजे कितनी देर बजेगी, 11 बजे जब 11 बार बजेगी तो कितने गैप लेगी, 10 गैप लेगी, कितने गैप, जैसे 5 बजे 5 बार बजती थी तो 4 गैप लेती थी, उसी तरह से 11 बजे जब 11 बार बजेगी तो कितने गैप लेगी, 10 गैप, कितने गैप, 10 गैप। 1 गैप की वैल्यू कितनी निकली है, 2 सेकंड, तो 10 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दूना 20 सेकंड, कितना हो जाएगा 20 सेकंड। तो 11 बजे कितनी देर तक बजेगी, 20 सेकंड तक, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसा लग रहा कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों अगले जो दोनों एक क्वेश्चन है, दोनों एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित है, कैसे, त्रिकोणमिति से संबंधित है दोस्तों, इसको करना है तो करते हैं दोस्तों। कह रहा है 2 sin 35° बटे cos 55 का होल स्क्वायर माइनस cos 55 बटे sin 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 sin 30 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। दोस्तों याद रखो जब ऐसा हो जैसे कि साइन 35 बटे कॉस 55 है तो इसको हम a को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि साइन 35 को हमने चेंज किया तो साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 55 लिख सकते हैं, तभी तो 35 बचेगा, तो कॉस 35 55 हो गया, कॉस 55 कॉस 55 कट गया, यानी तो 2 × 1 रहा इसका स्क्वायर, भाई कट गया तो 1 बचा, 2 था 2, इसी तरह से इसका भी मान कितना बचेगा 1, a को चेंज कर लेंगे ना, इसका भी स्क्वायर माइनस 2 sin 30, sin 30 का मान कितना होगा 1/2 है नहीं, ये मान याद होने चाहिए, 2 से 2 कट गया है नहीं, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो 1 1 कितना माइनस का 2 हो गया, तो 4 माइनस 2, 4 से 2 गया तो 2, राइट आंसर क्या आ गया आपका 2। तो कैसा लगा समझ में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्या कह रहा है, कह रहा एक संख्या 87 65 9 * 21, कितना 87 65 9 * 21 कॉमा 9 से विभाज्य है तो
स्टार की जगह अर्थात जो ये स्टार बना है इसकी जगह कौन सी छोटी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसको करने के लिए हम बहुत ही आसानी से करेंगे। क्या संख्या दी हुई है? 87, 65, 9, *21। तो दोस्तों 11 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कैसे करेंगे? पहले विषम संख्या का योग 8, 6, 9, 2 कितना हुआ? 8 से 14, 14 9, 23, 23 2, 25 कितना आया? 25। समझेगा? विषम संख्या का योग 8 से 14, 14 9, 23, 23 2, 25 माइनस क्या लगाते हैं? माइनस 11 से विभाजित के नियम। सम संख्या का योग 7, 5, 12, 7, 5, 12, 12 * 13, 13 - * है नहीं भाई? 7 और 5 = 12, 12 + 13 - * ऐसे लिखो कि 13 + * लिखा, ऐसे बनाया। अब प्लस ए ब्रैकेट लगा तो यहाँ माइनस ही तो आएगा, तो 25 - 13 - 13 - अब दोस्तों क्या करते हैं, किससे हमको विभाज्य करना है? 11 से। तो बताओ स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिखें जो 25 से घट करके 11 ही आंसर आए। तो ऑलरेडी कितना है पहले? 13 है। 25 से 13 गया तो कितना बचा? 12 बचा ना। अगर जो हम स्टार की जगह 1 लिख दें, क्या लिख दें? 1, तो 13 और 1 माइनस माइनस जोड़ के 14 हो जाएगा। 25 से 14 गया तो कितना बचा? 11। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी स्टार की जगह में, बताइए? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा, तभी तो वो 11 होगा घट करके, तभी वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ 1 लिखते हैं तो 11 से ये पूरी संख्या कट जाएगी स्टार की जगह, है ना? तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।